हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिल्ली मेट्रो की एक और नई अपडेट लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, अपडेट है 2019 की भर्ती से जुड़ी हुई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो है उसने हाल ही में दो पदों का जो यहाँ पर वैलिडिटी है वो बढ़ाया था। अब दोस्तों यहाँ पर दो पदों का जो वैलिडिटी है वो और बढ़ा दिया गया है, यानी कि दोस्तों अब जो है उन कैंडिडेट को जो है यहाँ पर आगे समय तक यहाँ पर जो है डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, कौन से पदों का यहाँ पर जो है यहाँ पर समय बढ़ाया गया, यानी कि उनकी वैलिडिटी बढ़ाई गई है। और दोस्तों, क्या अब और जो दूसरे पद बचे हुए हैं जिनका अभी तक डीबी और मेडिकल नहीं हुआ है, क्या उनकी भी यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो बढ़ेगी? तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएमआरसी है उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो हमने ओपन कर ली है। और दोस्तों, इसका जो कैरियर सेक्शन है वो भी हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, मैं आपको जो दो नई अपडेट है वो आज की वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, इसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमारे सामने दो नई अपडेट निकल करके आती है। दोस्तों, पहला नोटिस है यहाँ पर आज का, दोस्तों 12/4/2022 का। इसमें दोस्तों एक्सटेंशन इन वैलिडिटी ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर फिटर आरएनई 18, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मेंटेनर फिटर है आरएनई 18 उसका भी यहाँ पर वैलिडिटी बढ़ा दिया गया। वहीं दोस्तों, दूसरा नोटिस है यहाँ पर, ये भी दोस्तों आज ही का है, 12/4/2022 का। इसमें दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एक्सटेंशन इन वैलिडिटी ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन आरएनई 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मेंटेनर फिटर और जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन है इन दोनों की यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है। और इनकी जो वैलिडिटी है वो 2022 अप्रैल में ही खत्म हो रही थी, अब दोस्तों इनको जो है 2023 तक यहाँ पर जो है डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, कब बुलाया जाएगा तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये जो नोटिस है पहले वाला वो डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों, आज ही का नोटिस है, यानी कि 12/4/2022 का। अब दोस्तों, इसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर ये जो नोटिस है वो ओपन होता है। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं मेंटेनर फिटर आरएनई 18 पद के पैनल की वैधता में विस्तार। तो दोस्तों, इस पैनल की वैधता में यानी कि इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है विज्ञापन संख्या यानी कि 14/12/2019 के सामान्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्लोज के मध्य संख्या दो के संदर्भ में नोटिस दिनांक यानी कि 27/7/2020 द्वारा अधिसूचित मेंटेनर फिटर आरएनई 18 पद के पैनल की जो वैधता है वो 19/4/2023 तक बढ़ा दी गई है। यानी कि दोस्तों, इसे 19 अप्रैल 2023 तक इसकी वैधता को बढ़ा दिया गया। और दोस्तों, अब जो है मेंटेनर फिटर के कैंडिडेट को 19 अप्रैल 2023 तक यानी कि डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, फिर है पैनल में शामिल उम्मीदवारों की जो नियुक्ति है उसके लिए पैनल की वैधता की जो तारीख है उस तारीख तक रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं पहले ही डीबी के लिए, तो दोस्तों उन्हें जो है इस डेट तक यहाँ पर डीबी के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और दोस्तों, देख सकते हैं कि अब की बार जो डीएमआरसी है उसने ये जो नोटिस है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में यहाँ पर जारी किया है। अब दोस्तों, वो जो दूसरा नोटिस है यानी कि मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, वापस से हम इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ चुके हैं। अब दोस्तों, इसका जो अगला नोटिस है मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का वो एक बार हम यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का नोटिस है वो भी डाउनलोड हो चुका है। और दोस्तों, ये भी आज का यानी कि 12 अप्रैल 2022 का है। तो दोस्तों, ये भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन आरएनई 16 पद के पैनल की वैधता में विस्तार, यानी कि दोस्तों उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन संख्या यानी कि 14/12/2019 के सामान्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्लोज के मत संख्या 2 के संदर्भ में नोटिस दिनांक 13/11/2020 द्वारा अधिसूचित मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन आरएनई 16 पद के पैनल की जो वैधता है वो दिनांक 20/4/2023 तक बढ़ा दी गई है। और दोस्तों, आगे दिया हुआ है पैनल में शामिल उम्मीदवार की जो नियुक्ति है उसके लिए पैनल की जो वैधता है उसकी तारीख तक यानी कि इस तारीख तक रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर इस पैनल के लिए यानी कि शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं डीबी के लिए, उन्हें दोस्तों जो रिक्तियाँ होंगी यानी कि वैकेंट पोस्ट होगी उसके अनुसार यानी कि 20/4/2023 तक यहाँ पर उनको जो है डीबी के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और इस दिन तक उनको जॉइनिंग दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन है उसका भी एक साल बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर मेंटेनर फिटर, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन और जो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स है इन तीनों का, और दोस्तों जो दो पोस्ट हैं जो अभी पहले जारी की गई थी जूनियर इंजीनियर की, यानी कि जो पांचों पोस्ट हैं उनका दोस्तों यहां पर जो है वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, चार का बढ़ाया गया है, एक का पहले से बढ़ा हुआ है यानी कि मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो दोस्तों, आगे और जो पद हैं उनका भी वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब है यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2023 से वैलिडिटी करने का मतलब है कि इसमें अभी तक नई वैकेंसी आने के कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर नई वैकेंसी लेनी होती तो यहाँ पर नई वैकेंसी के आधार पर इस 2019 की भर्ती को जो है यहाँ पर रद्द कर दिया जाता और उसके बाद में यहाँ पर न्यू रिक्वायरमेंट जारी किया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसी वैकेंसी को आगे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यू वैकेंसी जारी अभी तक नहीं होगी। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि इन पदों का यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो बढ़ाने के बावजूद भी अगर डीएमआरसी को जरूरत पड़ती है मैन पावर की, तो दोस्तों वो कल भी नया नोटिस जारी कर दे। क्योंकि दोस्तों, डीएमआरसी के बारे में हम कभी भी सही सटीक से कुछ नहीं बता सकते, कभी भी वो जो है नया रिक्वायरमेंट जारी कर सकती है। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि इसका जो नया रिक्वायरमेंट है वो आना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।